आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। इसी के साथ समय हो गया है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबर का, डालते हैं नजर मध्य प्रदेश पे। पूर्व विधायक कैलाश कुंदल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। नर्मदा और उसकी सहायक नदी में तेज बहाव के चलते नर्मदा बेल्ट से लगे हुए लगभग 2 दर्जन से अधिक गाँव बाढ़ के कारण काफी प्रभावित हुए और यहाँ के हालात काफी खराब है। बाढ़ प्रभावित गाँव का जायजा लेने पूर्व विधायक कैलाश कुंडल के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का दल पहुंचा, जहां उन्होंने कई जगह देखा कि प्रशासन की लापरवाही है और कलेक्टर महोदय से यहां भ्रमण करने की मांग करते हुए उन्होंने आशंका जताई है कि साफ सफाई और उचित कदम नहीं उठाए जाने से महामारी फैल सकती है। सबसे पहली बात तो यह है, मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन ने जो जनता को आश्वासन दिया था उतना काम अभी होता है। दूसरी बात यह है कि अभी लोगों को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जिन गांव में जिन मकानों पे बहुत ज्यादा क्षति हुई है उनको राशि बढ़ा के देने का प्रयास किया जाए। सर्वे में लापरवाही हो रही है, कहीं कहीं लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, कुछ नाम छोड़े जा रहे हैं, जानबूझ के छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन उनके नाम भी जोड़कर उन्हें भी अनाज मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये जो खास करके आज हमने दौरा किया है, हमने चालू किया है दुलवा जामनेर कुंडगांव खुर्द कुंडगांव बुजुर्ग पुरनाल दहियत, उसके बाद ये नवाड़ा बजवाड़ा मंडलेश्वर दावठा राजौर कड़ा होते हुए हम अपना दौरा समाप्त करेंगे। लेकिन इधर हालत बहुत ज्यादा खराब है। सही मायने में तो मेरे हिसाब से कलेक्टर साहब को खुद ने आकर इन क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। कोई बहुत लंबा इलाका नहीं है, 2 या 3 घंटे में घूम के जा सकते हैं। प्रशासनिक लापरवाही इस बार बड़े उससे उजागर होती है कि हफ्ता भर हो गया है और नवाड़ा बजवाड़ा जैसे खतरनाक बाढ़ में डूबे हुए लोग जिनके मकान तक बह गए हैं उनको राशन तक खाने को नहीं मिला, न स्वास्थ्य विभाग की टीमें आई हैं। लोग अपने जो रहवास के स्थान थे वहाँ धुआं करके मच्छर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ी खराब हालत है। और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन ने सरकार ने इस ओर अतिशीघ्र ध्यान देकर उनके राशन और अन्य व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ठीक है, पर मकान की 2-2 फीट जमीन तक नर्मदा जी में बह गई। अजूब इस बात से होता है कि अभी तक प्रशासन ने उनको खाद्यान्न का 50 किलो गेहूं भी 5 रोज हो गए 6 दिन खाद्यान्न तक उनको आवंटित नहीं हो पाया है। बड़ी दर्दनाक स्थिति है और ऐसी हालात में प्रशासन ने सचेत होकर इन लोगों की आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए।